क्या तुम सत्य कह रहे हो गुप्तचर अव्यासुर? क्या लंकेश्वर रावण ने स्वर्ग के द्वार तक पहुंचकर राक्षस शत्रु दुष्ट इंद्र को अभयदान दे दिया? ये सत्य है राजमाता। देवर्षि नारद का परामर्श पाकर लंकेश्वर ने सर्वप्रथम यमलोक की ओर अकेले ही अभियान किया। अपने विजय के अभिमान में रावण क्या दुष्ट इंद्र द्वारा मेरा भयंकर अपमान भूल गया? ऐसा प्रतीत होता है कि यमराज को परास्त करने के पश्चात लंकेश्वर पुनः स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। युवराज मेघनाथ कहाँ है गुप्तचर? देवर्षि नारद के परामर्श और लंकेश्वर का आदेश पाकर वे इस समय लंका के किसी अज्ञात स्थान पर अग्निष्टोम यज्ञ कर दिव्य शक्तियां प्राप्त करने गए हैं। तुम्हारे पुत्र मेघनाथ ने मेरे पुत्र लंकेश्वर की कीर्ति और पराक्रम को कलंकित किया है। वो रणभूमि को पीठ दिखाकर कहीं छुप गया है। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। राक्षस जाति में और लंका में राजमाता केकसी की आज्ञा ही अंतिम आज्ञा है। तुम्हारा पति लंकेश्वर भी उसी आज्ञा से बंधा है। मैं मेघनाथ को ढूंढकर उसे उसकी भीरुता का दंड अवश्य दूंगी। मैं जीवित पहुंच गया। सूर्य पुत्र यमराज, भीरु, कहाँ छुपा है तू? मृत्यु के देवता आ, आज मैं तुझे तेरे ही बंधन में बांध देता हूँ। चित्रगुप्त जी, ये जीवित प्राणी यमलोक में कैसे घुस आया? जीवित प्राणी नहीं, लंकेश्वर रावण। कहाँ है इस प्रेत नगरी का राजा यमराज? आज मैं उसे ही प्रेत योनी में भेज दूंगा। कहाँ है वो? विश्रवा पुत्र रावण, जीवित यमपुरी आकर तुमने महान पराक्रम दिखाया। अब भलाई इसी में है कि जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा यमदेव के काल दंड से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु की नामावली बाँचते बाँचते तुम्हारी बुद्धि उलट गई है चित्रगुप्त। जो तुम काल से भी विकराल रावण की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। बताओ तुम्हारा राजा यमराज कहाँ है, अन्यथा मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। यमराज मेरे सामने प्रकट हो, अन्यथा मैं तेरे इस यमलोक को खंड खंड करके नष्ट कर दूंगा। दुष्ट रावण, आज तेरे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। तो तू है यमराज, भीरू कहां छुपा था? आ मुझसे युद्ध कर, अन्यथा कह कि मैं परास्त हुआ। आज मैं तुझे तेरे ही मृत्यु के बंधन में जकड़ दूंगा। रावण, मुझ यमराज को दो क्षण निरंतर देखने के पश्चात कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकता। यमलोक आकर तूने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। युद्ध क्षेत्र में बात प्रहार के स्थान पर शस्त्र प्रहार कर दुष्ट, अन्यथा मुझसे पराजय स्वीकार कर, मेरी जय जयकार कर। मुझ यमराज को देखने के पश्चात कोई भी जीवित नहीं बचता। हिरण्यकश्यपु, नमुचि, शंबर, धूमकेतु, महिषासुर, दुर्गमासुर सभी मेरे ही द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं। यदि जीवित रहने का इच्छुक है तो लौट जा यमलोक से। तू तो निरा भीरू निकला यमराज, अपनी शक्ति का बखान करके
मुझे आतंकित करने का दुस्साहस कर रहा है। ले संभाल मेरा प्रहार। ठहरे परम पिता, आप इस समय यहां? प्रणाम यमराज। हमारे वरदान के अनुसार रावण आपके द्वारा अवध्य है। यदि आपका कालदंड चल गया और रावण नहीं मरा तो मृत्यु की मारक शक्ति से संसार का भय समाप्त हो जाएगा। किंतु परम पिता, किंतु परंतु में उलझने के स्थान पर उचित यही है यमराज कि आप रावण की अधीनता स्वीकार कर लें। अधीनता नहीं परम पिता, अधीनता नहीं। इससे कहिए कि यह अपने यमदूतों के साथ हमारी जय जयकार करे, अन्यथा मुझ पर प्रहार कर अपनी हर इच्छा पूर्ण कर ले, फिर मैं इसे मृत्यु के बंधन में बांध दूंगा। असंभव। हठ न करें यमदेव, मेरे वरदान और शिव कृपा को पाकर रावण आज अजय योद्धा है। ब्रह्मा जी के वचन का आदर करता हूं। लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की। तू मुझसे परास्त हो गया यमराज, परास्त हो गया। अब मुझे वचन दे कि तेरे मृत्यु बंधन से मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकता लंकेश्वर, किंतु त्रिदेवों की मर्यादा के कारण मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हुआ आपकी जीवन ज्योति आपकी नाभि में सुरक्षित कर देता हूँ, जिसका ज्ञान यहाँ पर उपस्थित महानुभावों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं होगा। त्रिदेवों की मर्यादा का सम्मान करते हुए यमराज ने लंकेश्वर रावण की नाभि में जीवन ज्योति का अमृत स्थापित कर उसे अमरता प्रदान की। उधर अमर हो जाने की ही कामना लेकर लंकेश्वर रावण का परम वीर और यशस्वी पुत्र मेघनाद अपने तंत्र प्रयोग से अष्ट अग्नियों का आवाहन करके अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने का अनुष्ठान कर रहा है। ओ मग्नये स्वाहा।
मुझे रावण से अधिक भय तो उसके इस मायावी पुत्र मेघनाद का है। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव, ये दुष्ट मेघनाद देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए अगाध प्रयत्न करता ही रहता है। यदि इसने अग्नि स्टोम की अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली तो ये रावण से भी महान पराक्रमी घोर देव शत्रु सिद्ध होगा। अग्निदेव, आप इसे अग्निस्टोम सिद्ध करने ही ना दे। भक्त को उसकी भक्ति से प्राप्त होने वाले पुण्य फल को प्रदान करने से मैं कैसे विमुख हो सकता हूँ? ये तो विधि का निश्चित विधान है कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा ही। अग्निदेव, हमें संगठित शक्ति से कुछ न कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करने वाले दशानन रावण का अभिमान संसार को मत डालेगा। अपने अपने कर्मों को करते हुए हम सब शिवेच्छा के वशीभूत हैं। भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। आप सत्य कह रहे हैं पवनदेव। अग्निदेव, कहें देव गुप्तचर, रावण के अभियान का क्या समाचार लेकर आए हैं? यमलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दशानन रावण ने नागलोक की ओर प्रस्थान किया है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। महाबली दशानन लंकेश्वर रावण की जय, जय, जय। यमराज का गर्व खंडित करने वाले महाबली रावण की जय, जय, जय। विश्व विजयी दशानन लंकेश्वर रावण, हम आपका नागलोक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जैसे परम पराक्रमी से हम युद्ध के नहीं मित्रता के इच्छुक हैं। आप हमारी मित्रता को स्वीकार करें। मित्रता के अथवा दास्ता के? ऐसा प्रतीत होता है नागराज वासुकी कि प्रेत नगरी यमलोक और यमराज पर हमारी विजय का समाचार आप तक आ गया है। मित्रता का जो प्रस्ताव आपने किया है वो हमारे विध्वंसक अजय शक्ति से पराजित होने के भय का प्रतीक है। स्पष्ट सुन ले नागराज, हम विश्व विजय के निमित्त निकले हैं। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। हमने पहले ही निश्चय कर लिया है राक्षस राज कि हम आपसे युद्ध कर नागलोक में रक्त की नदियां नहीं बहाएंगे। हम आपको विश्व विजयी मानकर आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इस क्षण से नागलोक की विशाल नागसेना लंकेश्वर के अधीन हुई। हमें जब भी आवश्यकता होगी हम नाग सेवा का आह्वान करेंगे। नागसेना लंकेश्वर के शत्रु को अपना शत्रु ही मानेगी। अब आप कुछ दिनों नागलोक में आतिथ्य स्वीकार करें। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद नागराज, किंतु आतिथ्य का समय नहीं है मेरे पास। माता कैकेयी को दिया हुआ वचन पूर्ण करना है मुझे। स्वर्ग पर राक्षस जाति का ध्वज लहराना है। स्वर्ग विजय के साथ ही रावण का विश्व विजय अभियान पूर्ण होगा। चलो राक्षस वीरों, विश्व विजयी दशानन रावण की जय। विश्व विजयी दशानन रावण की जय।